सो हे गाइज, वेलकम बैक टू फ्री एरा चैनल पे। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी हम 2 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं यहाँ पर। और आज की वीडियो का लाइक हम रखते हैं केवल 1000 लाइक का, तो यार फटाफट से कंप्लीट करवा दो। तो कल हमारे चैनल के ऊपर में कोई भी वीडियो नहीं आया था, क्योंकि कल मेरे पास में उतनी अच्छी न्यूज नहीं थी। बट आज मेरे पास में बहुत से भी बहुत ज्यादा अपडेट है। वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। और जैसे कि आपको पता है कि आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच भी है, तो उसके लिए भी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा छाई हुई मेरे में। बाकी कॉमेंट में बताने की आप मुझे कौन एक्साइटेड हो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच देखने के लिए। तो आज की हमारी पहली अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है ज्ञान गेमिंग के बारे में। तो ज्ञान गेमिंग कल अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाए, और इसका यहाँ पर बहुत बड़ा रीजन था कि ज्ञान गेमिंग कोई भी लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाए। पानीपुरी खा रहे जा रहे, पानीपुरी के चक्कर में मेरे लाइव स्ट्रीम ऑफ है, क्योंकि बेबी को पानीपुरी पसंद। खैर, अभी हमारी अगली अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगली अपडेट है अज्जू भाई के बारे में। तो जैसे कि मैं आपको परसों वाली वीडियो के अंदर में बताया था कि अज्जू भाई को फ्री फायर इंडिया के रिगार्डिंग कुछ अपडेट मिली है, लेकिन तब वो कुछ भी रिवील नहीं किए थे। लेकिन अभी वो अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर कुछ मैसेज किए। तो यहाँ पर अज्जू भाई पहले एक फोटो शेयर किए, जिसपे लिखा हुआ था वी आर इन द एंड गेम नाउ, एंड इसके बाद वो लिखे फ्री फायर का अपडेट ओके, देन इसके बाद वो लिखे 0.01% चांस है। तो अभी ये देखने के बाद में आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे कॉमेंट में बता सकते हो, कि आपको लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही होने वाला है यहाँ पर, क्या फ्री फायर आने के चांस इतने ज्यादा कम है। बाकी इस मैटर के बारे में वाइपर भी बात किए थे कल अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। देन वहाँ पर कौन से पूछता कि अज्जू भाई के पास में फ्री फायर इंडिया के रिगार्डिंग कुछ अपडेट है। कलोंडो अज्जू भाई बोल रहे हैं कि उसको बहुत बड़ा अपडेट मिला है गेम के बारे में। 1-2 में बताएगा, या 1-2 वीक में बताएगा, दिन में बताएगा, महीने में बताएगा, साल में बताएगा, वो भी मेंशन कर दो यार। और गाइज, अभी हम बात करने वाले हैं बिनजैद गेमिंग के बारे में। तो बिनजैद गेमिंग अपने चैनल पर लाइव थे, जहां पर बात किए फ्री फायर एडवांस सर्वर के बारे में, फ्री फायर इंडिया के हिंट के बारे में। तो यहां पर बिनजैद गेमिंग का कहना यह था कि एडवांस सर्वर के अंदर में ऐसा कोई भी हिंट नहीं था जो कि फ्री फायर इंडिया से रिलेट करता हो। तो कैसा हो सकता है कि फ्री फायर इंडिया और भी ज्यादा डिले होने वाला है? सबको लगा था कि एडवांस सर्वर में हम लोग को कुछ तो पता चलेगा फ्री फायर इंडिया के बारे में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब यही है कि फ्री फायर इंडिया को आने में बहुत टाइम लग जाएगा, जितना मेरे को अब लग रहा है शायद से अगले साल आ जाएगा ब्रो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि भाई फ्री फायर इंडिया को आने में अब मेरे को लग रहा है बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि एडवांस सर्वर ओबी अपडेट में भी कुछ इसका जिक्र ही नहीं है ब्रो। ठीक है, तो फ्री फायर इंडिया का वेट करो, अगले साल तक पता नहीं कितना टाइम लगेगा। फिलहाल हम लोग जैसे हम लोग अपना गेम चुपचाप खेल रहे थे वैसे ही खेलते, जब आना होगा आ जाएगा, है ना। बाकी गाइज, आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे कमेंट में बता सकते हो। तो अभी हमारी अगली अपडेट है जीडब्ल्यू मनीष के बारे में। तो जीडब्ल्यू मनीष कल अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किए, जहां पर बात किए एमएस धोनी सर के कैरेक्टर के बारे में। तो क्या हमें एमएस धोनी के कैरेक्टर को रिवील कर दिया गया एडवांस सर्वर के अंदर में? जो कैरेक्टर भी बताने वाला हूं, ये हमारा थला कैरेक्टर है, क्योंकि इसकी एबिलिटी तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। पहले मैं आप लोग उसकी एबिलिटी समझा देता हूं, अगर आप चाहो तो यहां पे इसकी एबिलिटी पढ़ सकते हो। इसका नाम यहां पे टेस्ट बॉय दिया गया है। टेस्ट बॉय का मतलब ये है कि अभी टेस्टिंग पीरियड में है, हम लोगों को दिखाने के लिए कैरेक्टर की एबिलिटी कैसी है एंड ऑल। तो यहाँ पर डायरेक्टली नाम रिवील नहीं किया गया है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो उसकी एबिलिटी क्या है तो पढ़ सकते हो, अगर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं तो चलो मैं आपको समझाता हूं। गाइस, इसकी एबिलिटी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। पहले देखो, मैं ये एक्टिव एबिलिटी है, इसको मैं यूज करता हूं तो एक ड्रोन निकलता है, एंड ये ड्रोन मेरे एनिमी को पकड़ता है, फिर 4 सेकंड के लिए वो एनिमी कहीं भाग नहीं पाता है, और उल्टा उसको 10 का डैमेज लगेगा हर सेकंड। 4 सेकंड अगर इसकी एबिलिटी वर्क करेगी तो भाई मल्टीप्लाई करोगे तो 40 HP उसकी ऐसी खत्म हो जाएगी, उल्टा वो कहीं भाग भाग भी नहीं पाएगा, एक जगह भागते रहेगा चोमू जैसे। तो उसको मारोगे तो भाई बूम, मतलब क्या मतलब है यार, इसे इलाइट होमर भी कह सकते हो आप लोग, बट होमर में तो हम रन कर सकते थे, हल पाते थे थोड़ा थोड़ा, इसमें तो बिल्कुल हल ही नहीं पाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि भाई कैरेक्टर एबिलिटी तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, मतलब क्लैश कॉर्ड में तो भाई धूम मचा देगी एबिलिटी। तो क्या ये थाला कैरेक्टर की एबिलिटी हो सकती है? क्योंकि आप सभी को बताया कि अपने जो एमएस धोनी सर है वो उनकी इज्जत नेक्स्ट लेवल है। तो जिस तरीके से जय कैरेक्टर था हमारे गेम में किया गया था, हम लोग की यही कंप्लेंट थी कि जय कैरेक्टर जो हुआ वैसा नहीं करना चाहिए धोनी सर के साथ। तो इस बार जो एबिलिटी आई है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये धोनी सर एबिलिटी हो सकती है। और गाइज, अभी हमारी अगली अपडेट है देसी गेमर के बारे में। तो देसी गेमर अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीम किए थे एडवांस सर्वर की, जहां पर वो लोबी को लेकर के थोड़ा सा डिसअपॉइंट थे। तो यहां पर देसी गेमर कहे कि यार लोबी अभी तक चेंज नहीं किया है। कलाहारी आ गया रैंक मैच में, लेट्स गो गाइस, द कलाहारी किंग। अरे प्लेन का लॉबी यार, ये लॉबी हटाओ भाई, कसम से सोनिया से ज्यादा गुस्सा मुझे इस लॉबी पे आता है। सोनिया से गुस्सा मुझे आता है, आई नो सोनिया से मुझे गुस्सा आता है, बट सोनिया से भी ज्यादा गुस्सा मुझे इस लॉबी से आता है।
अरे नेक्स्ट एरा क्यों आता है यार, बाबा सिर मैप क्यों देते हो? ये लॉबी यार, ये लॉबी हटाओ यार फ्री फायर वालो। मैं दुआ करूंगा अगर ये लॉबी नहीं हटा ना फ्री फायर इंडिया भी ना एक साल तक। और साथ ही आपको बता दूं कि देसी गेमर का एक मीट एंड ग्रीट होने वाला है हैदराबाद के अंदर में, ड्रीम हैक के अंदर में। हर साल ड्रीम हैक होता है, वहां पर काफी ज्यादा क्रिएटर इन्फ्लुएंसर ई स्पोर्ट्स प्लेयर जाते हैं वहां पर। तो अब की बार देसी गेमर भी वहां पर जाने वाले हैं। तो गाइज अभी हमारी अगली अपडेट है TSG ऋतिक के बारे में। तो ऋतिक अपनी वीडियो में बात किए TSG लेजेंड के बारे में। तो यहाँ पर ऋतिक बताया कि वो लेजेंड से कैसे मिले थे, उनकी बॉन्डिंग कैसे स्टार्ट हुई एंड कैसे वो एक टीम में ई स्पोर्ट्स प्लेयर की तरह खेलना स्टार्ट किए। और साथ ही यहाँ पर ऋतिक बात किए कि लेजेंड का गेम प्ले काफी ज्यादा ओपी है, उसके गेम प्ले को देख करके काफी जगह से उनको ऑफर आए थे काफी ओर्ग से एंड यहाँ तक कि टोटल गेमिंग की तरफ से उनको ऑफर आया था उनकी टीम में खेलने के लिए। लेकिन लेजेंड ने यहाँ पर सबको मना कर दिया कि वो TSG में ही खेलने वाले हैं। तो लेजेंड के पास में जितने भी ऑफर आए थे लेजेंड ने सबको मना कर दिया। तो गाइज आप इस दोस्ती के बारे में क्या कहना चाहोगे, एक दूसरे का इतने अच्छे से साथ दिया दोनों ने। तो अभी हमारी अगली अपडेट है पहाड़ी गेमिंग के बारे में। तो पहाड़ी गेमिंग से काफी सारे उनके फैन मिलने आए। तो गाइज अभी हमारी अगली अपडेट है वाइपर के बारे में। तो वाइपर अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपलोड किए जहाँ पर दिखाए कि फ्री फायर की तरफ से उनको इनविटेशन आया है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ सिलेक्टेड प्लेयर को यहाँ पर बुलाया गया उनसे बात करने के लिए, उनका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए फ्री फायर के रिगार्डिंग। एंड जो भी सर्वे में पार्ट लेना चाहता है वो फॉर्म फिल कर सकता है। तो क्या आपको ऐसा कोई फ्री फायर के अंदर में मेल वगैरह आया है, नहीं आया मुझे कमेंट में जरूर से बताना। एंड ऐसा भी हो सकता है कि ये कुछ लीक हो जो उन्होंने शेयर किया उस स्टोरी पर। बाकी आपको इसके बारे में क्या लगता है अपने ओपिनियन वगैरह कमेंट में बता सकते हो। तो गाइज अभी हमारी अगली अपडेट है वासियो के बारे में। तो वासियो अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपलोड किए जहाँ पर बताया कि मंडे से रेगुलर उनके व्लॉग आने वाले हैं। तो गाइज आज के लिए मेरे पास में काफी सारी अपडेट थे जो मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।